गारंटी कानून को लेकर दिल्ली में कूच करने की जिद पर अड़े पंजाब के किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच बड़ी खबर है कि किसान प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत बन गई है। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच हुई दो मीटिंग बिना किसी नतीजे के पूरी हो गई थी। अब इस बैठक के बाद किसान आंदोलन का क्या रुख रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे आंदोलनकारी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान फिलहाल हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर शांत रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी जगह पर मुस्तैद है। प्रशासन बिना किसी ठोस जानकारी या निर्णय के दिल्ली के बॉर्डर से हटने वाले नहीं दिख रहे। दिल्ली से लगे हरियाणा के टीकरी बॉर्डर और हरियाणा के ही बहादुरगढ़ सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पहले जहां एक लंबी चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, वहीं अब दूसरी सीमेंट कंक्रीट की दीवार का खांचा तैयार कर दिया गया है। दो सीमेंटेड बैरिकेड के बीच लोहे के मोटे मोटे सरिये भी साथ लगाए गए हैं। पुलिस ने सीमेंट के बैरिकेड इस तरह से लगाए हैं कि जरूरत महसूस होते ही उनके बीच में सीमेंट कंक्रीट का घोल डालकर नई सीमेंट की दीवार बनाई जा सके। इसके साथ ही लोहे के बैरिकेड और उनके ऊपर कटीले तार लगाकर सीमेंटेड बैरिकेड के बीच में लगाए गए हैं। वहीं 16 फरवरी को अंबाला शंभू बॉर्डर पर तैनात GRP के ASI हीरालाल की भी मौत हो गई थी। ASI की मौत की वजह आंसू गैस के धुएं से दम घुटने के कारण बताई जा रही थी। वहीं हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से लगे टीकरी बॉर्डर से पहले ही सुरक्षा घेरा अब 6 से 8 लेयर का कर दिया है। पुलिस की इन तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि अगर किसानों के साथ सरकार का समझौता नहीं होता है और किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो किसानों को दिल्ली में किसी भी सूरत में घुसने नहीं दिया जाएगा। अभी टीकरी बॉर्डर पर माहौल शांत है, लेकिन लोग पुलिस की सुरक्षा दीवारों के कारण रास्ते बंद होने से परेशान जरूर हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए झज्जर जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के मोड़ पर पुलिस ने जो 11 लेयर की सुरक्षा लगा रखी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जिले में फिलहाल शांति का माहौल है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अगर माहौल शांतिपूर्ण रहा तो आने वाले वक्त में दिल्ली जाने वाले बॉर्डर पर कुछ रास्ता खोला भी जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसान आंदोलन और जिला पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी और रूटों को फॉलो करें। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।